मध्य प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज सिंह की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी रीवा जोन कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रीवा जिले में 23 दिसंबर को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। आपको बता दें, ये आयोजन बूंदावन मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आप प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज सिंह, विशेष अतिथि प्रदेश संगठन सचिव संदीप शाह और प्रदेश के कई नेता सम्मिलित रहे। प्रदेश अध्यक्ष सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा, आज पूरा देश अघोषित आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था, आसमान छूती महंगाई, महिला सुरक्षा हो या फिर हमारे देश के अन्नदाताओं की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। आगे उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता को हमेशा बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने बारी बारी से ठगने का काम किया है। हाल ही में प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के उपरांत जिस कदर सौदेबाजी का खेल इन दोनों पार्टियों ने लोकतंत्र की मालिक जनता को छलने के साथ लोकतंत्र का मजाक बनाया है, इसका जवाब प्रदेश का मतदाता इन दोनों ही पार्टियों को जरूर देगा। इसके साथ पंकज सिंह ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रीवा जोन के कार्यकर्ताओं के समकक्ष पूरे मध्य प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनाव को पूरी ताकत से लड़ने की घोषणा की। आपको बता दें, पंकज सिंह लगातार पिछले कई महीनों से प्रदेश दौरे पर हैं। जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सीधी, सतना में संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुके हैं। पार्टी का संगठन मजबूत स्थिति में है। आपके निकाय चुनाव में उतरने से प्रदेश में होगा तिकोड़ीय मुकाबला। प्रदेश संगठन सचिव संदीप शाह ने बीजेपी के पिछले 15 साल के राज में मध्य प्रदेश कुपोषित हो जाने की बात कही और कहा कि समय रहते इसे ठीक न किया गया तो हालात और गंभीर हो जाएंगे। और आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए कि कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, रोजगार और देश के किसानों के हित में साफ और सकारात्मकता से काम किया जाता है। आज देश की राजनीति का स्तर बिल्कुल ही गिर गया है। ऐसे नाजुक समय में देश के युवाओं की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। आज समय की मांग है कि देश के युवा राजनीति में आए और देश की सेवा करें। वर्तमान में देश में जो हालात हैं वो आजादी की दूसरी लड़ाई है। आम आदमी पार्टी ने सभी 52 जिलों में चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं, कल ही नियुक्त हुए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय गोपाल राय जी की सहमति से वो चुनाव प्रभारी सभी जिलों में जाकर जिला चुनाव समिति का गठन करेंगे। वो जिला चुनाव समिति जो हमारे जिला कार्यकारिणी के साथी हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। जो साथी हमसे संपर्क कर रहे हैं पार्षदी के चुनाव के लिए, महापौरी के चुनाव के लिए या जहां पे अध्यक्षी है उसके चुनाव के लिए, उन सबके साथ बैठ के वो चुनाव समिति बात करेगी और चुनाव समिति प्रदेश को रिपोर्ट अपनी रखेगी। वहां से फिर फाइनल होकर चीज़ें आएंगी। तो हमारी कोशिश है कि सबको शामिल करते हुए मौका दें। 16 नगर निगम है और कितनी सीटों पर मैं यहां से खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी प्रदेश के अंदर जो नगरीय निकाय चुनाव है पूरी ताकत से लड़ने जा रही है। हमारी कोशिश है कि हम पूरे प्रदेश के अंदर पूरा विकल्प दें। हो सकता है कुछ जगह अच्छे लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वरिष्ठ पत्रकार है, अगर वो सामने आना चाहते हैं, निर्दलीय भी आना चाहते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग बैठ के तय करें कि उनको हम साथ देंगे। बाकी जगहों पे हमारी कोशिश है कि हम ईमानदार विकल्प जनता के सामने रखें और जनता जो हमें आशीर्वाद दे। जनता कहेगी आपको संघर्ष करना सड़क पे, वो सर माथे पे है। जनता कहेगी आपको सदन पे जाना है, वो सर माथे पे है। लेकिन जनता के लिए काम करना और जनता को विकल्प, अच्छा विकल्प, ईमानदार विकल्प देना, ये हमारी कोशिश लगातार जारी है और जारी रहेगी। प्रदेश के जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, इसमें पार्टी के प्रमुख चेहरा क्या होंगे? प्रचार के कौन कौन से चेहरे होंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे पार्टी चुनाव लड़ती है, उनके कामों पे चुनाव। प्रदेश में कौन होंगे? प्रदेश में
ये हमारा राजकीय नेता तो हम सब बैठ के तय कर लेंगे, क्योंकि अभी मुझे जिम्मेवारी है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सभी जगहों पर जाके कार्यकर्ताओं की बैठक, जनता को संबोधन, तमाम तरह की काम करेंगे। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है, 4 उपाध्यक्ष हैं, 1 प्रदेश संगठन मंत्री हैं, 8 प्रदेश संगठन सचिव हैं, 16 प्रवक्ता हैं प्रदेश के, फिर जिला अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, हर जिले में संगठन मंत्री हैं, सब चेहरा है पार्टी के, ये सब साथी चेहरा है, ये आम आदमी पार्टी है तो सब चेहरा बनेंगे। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी मजबूत रणनीति बनाकर चुनाव में उतरेगी 25 दिसंबर को, इसीलिए दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठे। पंकज जी, आपको नहीं लगता कि वो ये बहुत देर हो चुकी है आपके 5 साल? पहले आपने कोई ऐसा नहीं कि जिससे आपको जनता आ सके, जो आपको प्रतिनिधि उसको टेस्ट कर सके, ईमानदार है, नहीं है बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल पहले सोच सके कि आप सीधे नगरी चुनाव पे उतर गए, कोई जमीन पे नहीं, ऐसा नहीं लगा आपको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नगरीय निकाय चुनाव बहुत लोकल स्तर के चुनाव, ये लोग जनता देखती है, जानती है, जो लोग हमारे साथी हमसे जो संपर्क कर रहे हैं, लोकल स्तर पे काम करने वाले लोग ही संपर्क करते हैं। हम लोग लगातार लगे रहे हैं, मुद्दे उठाते रहे, हो सकता है कि कई जगह पे हमसे चूक हुई हो, कई जगह हम कमजोर रहे हो, ये मैं मानता हूँ, सार्वजनिक रूप से कहता हूँ, लेकिन कोई देरी नहीं है, हमसे संपर्क में तमाम तरह के लोग हैं, तमाम लोग संघर्ष करने वाले, आपके यहाँ जिले में लगातार मुद्दे उठाने वाले राजीव सिंह जी हैं, प्रमोद भाई हैं, तमाम सब साथी हैं, लगातार मुद्दे उठाने वाले साथी जुड़े हुए हैं, और जो आपके सामने चेहरा होंगे पार्षदों के या महापौर के, वो जमीनी लोग हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में हमने चुनाव लड़ा, पंजाब में चुनाव लड़ा, तमाम जगहों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में पार्टी सत्ता में है, पंजाब में विपक्ष में है, कई अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़े हैं, तो ये जो लोकतंत्र में लोग कुछ भी बोल के और बाद में अपने मैनिफेस्टो, अपने वचनों, अपने कथनों से पलट जाते हैं, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जिस तरीके से पैसा, गुंडागर्दी, दारू, इस तरीके की चीज़ें चुनाव में हावी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो चुनावी असली मुद्दे हैं, जिन उद्देश्यों के साथ भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सराहा जाता रहा है, उसमें पट्टा लग रहा है, उसकी छवि धूमिल हो रही, तो हमारी कोशिश होगी ये चीज़ें बंद हो। उसके लिए हम तरह तरह की रणनीति अपनाते हैं, हमने दिल्ली में भी अपनाई, पंजाब में भी अपनाई, यहाँ भी अपनाएंगे, वो आपके सामने जल्दी पूरी योजना के साथ हम लोग आएंगे। उसके बाद से बिल्कुल पार्टी बिल्कुल बिखराव टाइप में, मतलब जो लगे हुए चले गए, उसके बाद कोई चेहरा ऐसा नहीं आया जैसे अपने जिले पे और आपके इस पे जिसपे लोग जनता है पीछे जा सके, मतलब एक एक्टिव चेहरा जैसे आप पंजाब में प्रभाव में आई, मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश में जबकि इतने बड़े भ्रष्टाचार मुद्दे की आप बताते, इतने बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, व्यापक हो गए आपके और भी बड़े मुद्दे हुए, उस पर आपने एक्शन नहीं आया ले पाए? मध्य प्रदेश में हमने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, 2018 में हमने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, हमने जनता के सामने, मैं पहले ही बताया, जनता के सामने हमने शपथ पत्र पे लिख के दिया था कि हम ये करेंगे। हो सकता है हमसे प्रचार प्रसार में हमने उसका उनकी कमियां कहां कहां रही उस पर बैठक भी की है, आगे उन कमियों को कैसे सुधारना उस पर भी योजना बनाई है, तो उस मजबूती के साथ हम ना गए हों, या जनता ने मन बनाया हो कि 15 साल हमने भाजपा को देखा, एक मौका कांग्रेस को देके देखते हैं, जनता ने देख लिया कि कांग्रेस ने भी क्या किया, 1.5 साल जो सत्ता चली, ट्रांसफर उद्योग चल रहा था, तमाम तरह के लोग जो उनके नेता ब्लॉक स्तर पे बैठे हुए हैं वो कमाई पे जुड़ गए कि बहुत दिनों बाद मौका मिला है, तो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, तो हमने उस समय भी विकल्प दिया था, आज भी विकल्प दे रहे हैं, 23 में भी पूरा विकल्प दे रहे हैं, और जहाँ जो हमसे चूक हो रही है, कमियाँ हो रही हैं, उनको सुधारते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है नगर निकाय के चुनावों में हम मजबूती से आगे आएंगे। जो क्या जैसे आप बोले ईमानदारी का है, आपने बोला कि हम ईमानदार बोलने तो ऐसा कोई तो पार्टी बोलती नहीं कि हम बेईमान को टिकट देंगे, कोई पार्टी नहीं बोलती, और ईमानदारी का मापदंड आप कैसे तय करेंगे कि आदमी ईमानदार है? जी,
आम आदमी पार्टी का शुरू से आप अन्ना आंदोलन के समय में हमारे साथियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते रहे होंगे, 4C का फार्मूला हम देते रहे कि हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करते, हम क्रिमिनल्स को बर्दाश्त नहीं करते, हम कैरेक्टर से जुड़ी जो बातें हैं अगर वहाँ कहीं गड़बड़ी उसको बर्दाश्त नहीं करते, और कम्युनल लोगों को बर्दाश्त। तो ऐसे चीज़ों को 4C के फार्मूले को आज भी पार्टी मानती है कि हम दिल्ली तमाम जगहों पे भी रखते हैं, यहाँ भी रखेंगे। ये एक चीज़ ये है। दूसरी बात, जो चेहरे बनने की बात, कोई भी व्यक्ति एक दिन में चेहरा नहीं बनता, और आम आदमी अरविंद केजरीवाल जी संघर्ष किए हैं, जनता के बीच में गए हैं, संघर्ष किए, धीरे धीरे वो चेहरा बन के आए। भगवंत मान हमारे पंजाब में नेता हैं, संजय सिंह जी आज राज्यसभा में बोलते हैं, पूरा देश सुन रहा है। धीरे धीरे सब चेहरे बने, सब साथी साथ में काम किए, यहाँ से भी आप लोगों का साथ और सहयोग रहेगा, सब चेहरे बनेंगे, पीछे बैठे साथी, यहाँ बैठे साथी, आप सबका सहयोग रहेगा, बिल्कुल चेहरे बनेंगे। हमारी कोशिश ये जरूर है कि चेहरा हमारा चमके या ना चमके, जनता के मुद्दे जरूर चमक रहे हैं, उनके जो उनका दर्द है वो दर्द कम हो सके, उनकी सुविधाएं उनको मिल सके, वो जरूर कोशिश है। चेहरा तो चमकते रहते हैं, बड़े बड़े चमकने वाले चेहरे रीवा ने देखे हैं, और कैसे धूल में मिले हैं वो भी रीवा ने देखा, रीवा तो ऐतिहासिक जगह रही है। तो चेहरा जनता बनाती है, जनता के दिल में चेहरा बने वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और किसी साथी का कोई सवाल हो पत्रकार बंधु का? ये 25 को हमारी बैठक है दिल्ली में, हम कुछ रणनीति के साथ जा रहे हैं वहाँ से, चुनाव की तिथि घोषित करेंगे, इतना घोषित करेंगे कि पहले घोषित कर देंगे। 25 की हमारी राष्ट्रीय स्तर की बैठक हो जाने वाली है राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, उसके बाद हम जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, सब कुछ सामने ही रखेंगे। फिर भी एक संकेत, उम्मीदवारों की सूची आप कब तक घोषित करेंगे? ये जरूर मैं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी बाकी अन्य पार्टियों से काफी पहले प्रत्याशी हो। अलीगढ़ शहर का नंबर वन कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास जीटी रोड अलीगढ़, मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे HBN न्यूज।